एक समय की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम कर्नाट था। इस राज्य के राजा का नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो अपने धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनका एक बेटा था राजकुमार चंद्रहास, जो अपने साहस और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रहास के दिल में लोगों की भलाई का गहरा प्रेम था। राजकुमार चंद्रहास ने अपनी शिक्षा एक महान गुरु के पास प्राप्त की। गुरु ने उन्हें न केवल शस्त्र विद्या सिखाई बल्कि जीवन के अनमोल मूल्य भी सिखाए। उन्होंने चंद्रहास को सिखाया कि असली राजा वह है जो अपने प्रजा के प्रति सच्चा और दयालु हो। एक दिन राज्य में एक भयानक राक्षस का आतंक फैल गया। वह राक्षस कालनाक के नाम से जाना जाता था। कालनाक ने गांवों में आकर लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों से कई बहादुर योद्धाओं को पराजित किया और राज्य को बर्बाद करने की योजना बनाई। राजा हरिश्चंद्र ने सभी प्रजाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में सभी ने कहा कि केवल चंद्रहास ही इस राक्षस का सामना कर सकते हैं। चंद्रहास ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मैं इस राक्षस से लड़ूंगा और अपने राज्य को बचाऊंगा। राजकुमार ने अपने साथियों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी तलवार, ढाल और अन्य युद्ध सामग्री एकत्र की। साथ ही उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और राक्षस की गुफा की ओर प्रस्थान किया। चंद्रहास और उसके साथियों ने गुफा के पास पहुंचकर राक्षस के आतंक का सामना किया। गुफा में घुसते ही उन्हें अंधकार और डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन चंद्रहास ने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे। गुफा के भीतर चंद्रहास ने कालनाक को देखा। वह विशाल और डरावना था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। कालनाक ने चंद्रहास को चुनौती दी, तुम मुझसे क्यों लड़ने आए हो छोटे राजकुमार, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते। चंद्रहास ने साहसिकता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूँ। मेरा राज्य और मेरी प्रजा तुमसे भयभीत है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। युद्ध आरंभ हुआ। चंद्रहास ने अपनी तलवार उठाई और राक्षस पर वार किया। कालनाग ने भी पलटवार किया, लेकिन चंद्रहास की तेजी और साहस ने उसे हैरान कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। चंद्रहास ने अपने गुरु की शिक्षा को याद किया और सच्चे दिल से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान चंद्रहास को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालनाक ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और चंद्रहास को कई बार घायल किया, लेकिन चंद्रहास ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर फिर से उठकर लड़ाई जारी रखी। एक निर्णायक क्षण आया जब चंद्रहास ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से चलाया और कालनाक को एक गहरा घाव दिया। राक्षस ने बौखलाकर हमला किया, लेकिन चंद्रहास ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दी। अंततः एक अंतिम वार के साथ चंद्रहास ने कालनाक को पराजित कर दिया। राजकुमार चंद्रहास की विजय के बाद गुफा का अंधकार मिट गया और राज्य में खुशियां लौट आईं। चंद्रहास ने अपने साथियों के साथ गांवों में जाकर लोगों को यह खुशखबरी दी। प्रजाजन उनके स्वागत में उमड़ पड़े। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारी धरती को सुरक्षित किया है, तुम सच्चे नायक हो। राज्य में खुशी का माहौल था और सभी ने चंद्रहास की वीरता की प्रशंसा की।